जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गूगल कैमरा जो है बेस्ट पिक्चर्स को क्लिक करता है और उसी तरीके से बेस्ट वीडियोस को भी शूट करता है। तो आज मैं आपके सामने एक गूगल कैमरा लेके आया हूं जो कि मोस्टली सभी एंड्रॉयड फोन्स के ऊपर काम करेगा जिसके अंदर कैमरा टू एपीआई इनेबल्ड हो। इस कैमरे का नाम है TR कैमरा जो कि जी कैम का ही मॉडर्न वर्जन है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। जो इनके डेवलपर हैं उनका ये मानना है कि ये जो कैमरा है SDM 845 तक कि जितने भी फ़ोन हैं उन पे काम करेगा, SDM 45 पे ये ठीक तरीके से काम नहीं करता है। तो मैं आपको इसी कैमरे के बारे में कुछ आज इसके अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। किसी भी फ़ोन के अंदर जो है गूगल कैमरे को इंस्टॉल करने के लिए कैमरा टू एपीआई इनेबल्ड होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रेडमी नोट 5 प्रो है और इसके अंदर जो है हमने कैमरा टू एपीआई को इनेबल कर रखा है। दैट मींस कि आप हम गूगल कैमरे को इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, इस कैमरे को इंस्टॉल करने के लिए आपको दो फाइलें चाहिए। वो दो फाइलें कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो चाहिए आपको ये TR कैमरा रीबॉर्न वर्जन जो कि अराउंड 128 MB के आसपास की है, और एक आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा अपने फ़ोन के अंदर जिसका नाम होगा जी कैम। जैसे कि देख पा रहे हैं ये जी कैम फोल्डर बना रखा है मैंने। इसके अंदर आपको एक फोल्डर और बनाना पड़ेगा कॉन्फिक्स का। उसके अंदर आपको ये TR settings.xml की जो फाइल है इसको आपने सेव करना पड़ेगा। जैसे ही आप कैमरे को इंस्टॉल करेंगे, कैमरे को आप ओपन करेंगे, कैमरे को ओपन करते ही आपने जो XML की जो आपकी फाइल थी उसको इसके अंदर इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका जो शटर बटन और जो इमेज का बटन है उसके बीच में टैप करेंगे, आपको ऐसा पेज खुलेगा और आपके सामने लिखा होगा TR settings.xml और उसको आप रिस्टोर कर देंगे। उसके बाद कैमरे को एक बार क्लोज कर देंगे और आप जो है TR कैमरा जो कि बेस्ट जी कैम मॉड माना जाता है अभी तक, उसको ओपन करेंगे और आप उसके सभी फीचर्स को इसके अंदर इंजॉय कर पाएंगे। आपको इसके अंदर AWV मोड मिल जाता है, आपको ऑटो के बटन से इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको मोर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको इसके अंदर लेंस, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, फोटोस्पेयर, लेंस ब्लर और पैनोरामा मोड मिल जाता है। सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं। अगर आप इसके रेजोल्यूशन में जाएं, तो आप इसके जो बैक कैमरा से जो है 4K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा से आप 1080p की इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैमरा जो है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। ये हमने नॉर्मल मोड पर फोटो क्लिक की थी, फोटोज बिल्कुल क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर आई है और सारी चीज़ें परफेक्टली काम कर रही हैं। ये कुछ पोर्ट्रेट मोड्स में फोटोज मैंने क्लिक किए हैं, पोर्ट्रेट मोड भी काम कर रहा है इसके अंदर। ये देखिए ये नाइट साइड पे भी मैंने कुछ फोटोज क्लिक किए हैं। ये मैंने एक स्लो मोशन में वीडियो शूट किया था जो उसमें काम कर रहा है। ये वाली फोटो जो थी मैंने नाइट साइड पर क्लिक की है जो कि इसके अंदर परफेक्टली शूट हुई है। आपको इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड भी परफेक्टली काम कर रहा है, फोकस वगैरह करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए पोर्ट्रेट मोड पर भी आप पिक्चर्स को क्लिक कर पा रहे हैं और साथ ही साथ आप जो है नाइट साइड मोड पर भी इसके अंदर पिक्चर्स को क्लिक कर पा रहे हैं। देखिए फोकस करता हूँ और एक पिक्चर क्लिक करता हूँ, ये देखिए नाइट साइड पे जो है आप अच्छी पिक्चर्स को इसके अंदर क्लिक कर पाने। आप इसके अंदर फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हैं। वीडियो के अंदर रिकॉर्डिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके अंदर जो है जूम का ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए आप इसके अंदर इसको जूम कर सकते हैं या इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है इसके अंदर। तो वीडियो शूट करने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अंदर 1080p और 4K के अंदर जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो कि दो फाइलें हैं, एक XML फाइल और एक आपको APK फाइल। आप इसको किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली डेवलपर का कहना है कि सभी एंड्रॉयड फ़ोन पर काम कर रहा है जिसके अंदर कैमरा टू API इनेबल है। आप देख पा रहे हैं आपको सारे ऑप्शन ऊपर मिल जाते हैं, जैसे HDR मोड मिलता है, ऑटो फोकस वगैरह, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और मोर में जाके अगर आप जाएं तो स्लो मोशन भी जो है उसके अंदर परफेक्टली शूट हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए स्लो मोशन वीडियो में भी कैप्चर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। उसी तरीके से आपका जो टाइम लैप्स का जो फीचर है वो भी इसके अंदर परफेक्टली काम कर रहा है। देखिए टाइम लैप्स में आपको 1x, 5x, 10x, 30x और 120x तक की इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। तो इसमें भी शूट करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, और फ्रंट कैमरा भी परफेक्टली काम कर रहा है। सारी चीज़ें इस कैमरे के अंदर जो है परफेक्टली काम करती हुई नज़र आ रही हैं। हमारे एक जो व्यूअर हैं सरफराज कुरैशी, वो इस कैमरे को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं और उनके रिव्यू काफ़ी अच्छे आए हैं कि कैमरा काफ़ी बेटर है। एक बार आपको इस TR कैमरे को ज़रूर ट्राई करना चाहिए जो कि गूगल कैमरे का ही मॉडर्न वर्जन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये गूगल कैमरा यानी TR कैमरे का वीडियो पसंद आया होगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा क्योंकि आने वाले दिन में और भी काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।